की अनाज मंडी में आज किसान खरीद केंद्र का पोर्टल बंद होना किसानों के लिए मुसीबत बना रहा। आलम यह रहा कि किसानों को पास नहीं मिल पाए और किसानों की फसल खरीद एक बार बंद हो गई, जिसके चलते किसान गुस्सा हो गए और उन्होंने किसान केंद्र पहुंचकर बवाल काटा। साथ ही किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करनी शुरू कर दी। किसानों के बवाल से अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। जैसे तैसे उन्होंने किसान खरीद केंद्र का पोर्टल शुरू करवाया। किसानों ने रोष जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि प्रशासन की ओर से किसानों को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यहां आपको यह भी बता दें कि पिछले काफी दिनों से किसानों की धान की खरीद नहीं हो रही थी, परंतु अब पोर्टल बंद होने का बहाना लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। बताते चले कि पिछले काफी दिनों से आड़ती राइस मिलर एवं किसानों के बीच सरकार के साथ कोई निर्णय ना हो पाने के कारण मंडी में पड़ी धान की फसल बर्बाद होने के कागार पर पहुंच गई थी, परंतु जिला प्रशासन की ओर से मंडी के आड़ती के साथ मीटिंग लेकर धान की खरीद प्रारंभ कर दी है। परंतु मार्केटिंग कमेटी बोर्ड के खरीद पोर्टल बंद होने के कारण आज फिर किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसानों ने किसान केंद्र पर पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद अधिकारियों ने धान की खरीद को आकर सुचारू करवाया। तब जाकर किसानों ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनकी वोट दे कौन? किसी भी पार्टी का कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है सब, सारे जिम्मेदार है भाई। ये नहीं है कांग्रेस ही है, किसी का नहीं है, सब कांग्रेस बोल रहे हैं। ये झूठ कहां है? कोई कांग्रेस का वर्कर बताओ भैया। ये तो गलत है, सारे जिम्मेदार एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। जिम्मेदार का नुकसान हो रहा है। पे जो ट्रॉली लेके आए वो किधर जाएगा? मंडी में जाके देखो तो पैर दर्द की जगह रेडी हो कहीं पे। सर साइड लोग करते हैं, गेट से ये नहीं जा रहे हमारे को। जिम्मेदार परेशान खड़ा है यहाँ पे। कोई समाधान नहीं है। चाहे तुम रो शांत खड़े रहो, बाबा मैंने ट्रैक्टर का मुंह फेर लो। सही कह रहा मैं, जिस रोज ना पूरा जिले डीसी भी एमएलए भी सारे सारे बटले ना होगा, पूरा कुछ नहीं था रहा। इनकी साइड बंद है, मैसेज है नहीं। जिम्मेदारों का अंदर घुस नहीं दिया जा रहा। कहाँ जाएंगे जिम्मेदारी? गेट पास तो दे ही नहीं रहे। गेट पास करते तो मंडी में आरती उतरवाता है, उसके बिना आरती नहीं उतरवाया। गेट पास दे नहीं रहे जी। बढ़ने में गलती रखी है किसी ने। इधर हो गए भाई, जिसने जहाँ पर क्विंटल भरना था वो किसी भाई ने अपना एकड़ भर किया, चार एकड़। अच्छा। उसकी वजह से है, जिसका मैसेज आ रहा है उसको जान दे रहे। अभी ये था जिसका शेड्यूलिंग नहीं हुई थी तो उसका वह लोग आए हुए हैं, वह रुके हुए थे। तो अभी प्रशासन की तरफ से आया है कि अभी जो बिना शेड्यूलिंग के भी है वो आज जाने दो, तो बाद में देखते हैं। ऊपर बात पोर्टल में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। पोर्टल में अभी कुछ अपडेशन है, क्योंकि लाइसेंस की अपडेशन थी उसकी वजह से दिक्कत है। तो आज 11 बजे तो भी शायद ठीक हो जाएगी हमारे पास जो मैसेज। तो और जो चार चार क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं उनको कैसे ठीक है? वो मैसेज में जिसका मैसेज आ रहा है तो मेरी फसल मेरा ब्यूरा पे जितने एकड़ उसने रजिस्टर्ड करा रखा है दोबारा कराना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसके हिसाब से उनका गेट पास इशू कर रहे। अच्छा, वो उनके किसी ना समझी की वजह से वो तो ये खरीदारी शुरू हो जाएगी, अब सुचारू रूप से चलेगी। सुचारू रूप से हो जाएगी। अब सरकार का मिलर के साथ समझौता हो गया, वो मिलर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आज सुचारू रूप से उसकी परचेज शुरू। जो श्रमिकों का लेबर की प्रॉब्लम थी, कल धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें क्या रहा? उसमें जो लेबर की डिमांड थी वो प्रशासन तक पहुँचा दिया, उनका आश्वासन दे दिया कि भाई जो उनका रेट की उनकी मेन थी उसको रिवाइज करने के लिए बोर्ड को डीसी साहब की तरफ से लिखा जा रहा है। तो वो धरना चलेगा, जल्दी अपडेट हो। धरना चल रहा है उनका भी? नहीं नहीं नहीं, वो 2 घंटे के लिए बंद हुआ था। वो उनकी मान ली गई प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल।
इसमें शेड्यूल का क्या मतलब रहा है, जब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फार्मर का पता है इस फार्मर की इतनी जीरी आनी है, तो फिर कौन सी बात रहेगी ये कि भाई वो शेड्यूल में आएगा। अगर शेड्यूल में उसका नाम नहीं है तो यहाँ बैठे हो आप, लिखिए उसका नाम, उसका नाम लिख के जीरी लीजिए उसकी। अगर जीरी पक्की है तो बर्बाद हो जाएगा, वो खेत में चढ़ जाएगी जीरी उसकी। एक मिनट मेरी गल सुन, इन्हें ये गल पूछे मेन्या गल, ये साड़ी जीरी नहीं लै रहे, उत्तों परमात्मा साडा साथ दे रहा, अहीं ते महाराज अगे अरदास करने, परमात्मा पूरी मदद कर रहा जिमीदार की, इन्हां नूं पूरे बांह खलियां ने, मन्ने गल अज बरसात पै जाए सानू एक दाणा नहीं मिलता है, इन्हां नूं सारा पता है, इन्हां नूं इक ही एक इलाज हो सकता है भी जिमीदारां नूं खिलार के गोली मार देना, अहीं ते इहू खतम कर देना, खत्म कर देना। वेखो मेरियां तरसा तरसा के मारना, उस तों माड़ी उस तों बड़ी मो गल है भी सारे परेशान ने, मेरी गल सुन, मैं तो एक गल जानना, हर एक बंदा वेखो एक एक घर एक एक जी ना घर बने, वो बंदा जीरी लैके इत्थे रहेगा जां घर रहेगा जां अपना खेत वाएगा माल डंगर करेगा, इन्हों ये गल तो पता लगे, मन्ने गल आंदे ने 16 मरले किसी के 10 मरले किसी के 4 मरले, इन्हों ये गल पूछे भी 16 मरले दे विच किसान जीरी लाएगा, इन्हों ये गल पूछे 16 मरले इन्हों पूछे भी किन्ने स्केयर फुट होंगे, इन्हों पता है ये उत्थे बह के कुर्सियां उत्ते सारा काम करी जांदे ने, किसान दे विच आण के दे बैण किसी ने ठेके दे लई, फिर सानू वध सण भी सब सारे साडे पूरे करनगे, पर इन्हां साडे नाल कुछ नहीं कीता, आपां वार वार आने भी साडी जीरी लैणी चाहीदी। वेखो मेरी इन्ने परेशान आ, मेरी गल सुनो, 100-100 क्विंटल माल अं ट्रालियां दे च लोड करके लै गए, ये सानू आंदे ने 2-2 क्विंटल लो, हफ्ता सानू हो गया। वेखो मेरी गल सुनो, अं किसी नूं आखी माड़ा कोई चंगा कोई फायदा नहीं है, इतने माड़े चंगे ना साडा सवाल नहीं पूरा होना, ये गल है साडी जीरी लैनी चाहिए, बस साडे यो रिक्वेस्ट है भी साडी जीरी लैन, सानू कोई मतलब नहीं, कोई माड़ा नहीं है, आप ही माड़ा हुंदा बंदा, ये तो कहण दीआं गल्लां ने, मैं फलाने नूं माड़ा आखते दा ढेड़े नूं माड़ा किसे नूं नहीं आखना, ये असी साडा ही है, हाथ जोड़ के बेनती साडी जीरी लैन, 17 मोचर आंदे ने 17 चेक करके साडी जीरी लैन, ऐसा कुछ बता रहे हैं, जो मैसेज है वो भरने में गलती रखी है किसी ने, ये इधर हो गया भाई, किसी जिसने जहाँ पर क्विंटल भरना था वो किसी भाई ने अपना एकड़ भर दिया 4 एकड़, अच्छा। उसकी वजह से है, जिसका मैसेज आ रहा है उसको जाने दे रहे हैं। अभी ये था जिसके शेड्यूलिंग नहीं हुई थी तो उसका, वे लोग आए हैं वे रुके हुए थे, तो अभी प्रशासन की तरफ से आया है कि अभी जो बिना शेड्यूलिंग के भी है वो आज जाने दो, तो बाद में देखते हैं, ऊपर बात चल रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है पोर्टल में, अभी कुछ अपडेशन है क्योंकि लाइसेंस की अपडेशन थी उसकी वजह से दिक्कत है, तो आज 11 बजे थोड़ी शायद ठीक हो जाएगी हमारे पास जो मैसेज है। तो और जो 4-4 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं उनको कैसे ठीक करें? वो मैसेज में जिसका मैसेज आ रहा है तो मेरी फसल मेरा ब्योरा पर जितने एकड़ उसने रजिस्टर्ड कराना, क्या दोबारा कराना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसके हिसाब से उनका गेट पास इशू कर रहेगा, अच्छा, वो उनके किसी ना समझ की वजह से वो ध्यान ले रहे हैं। तो खरीदारी शुरू हो जाएगी, अब सुचारू रूप से चलेगी, सुचारू रूप से हो जाएगी, अब सरकार का मिलर के साथ समझौता हो गया, वो मिलर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आज सुचारू रूप से उसकी परचेज शुरू हो जाएगी। जो श्रमिकों का लेबर की प्रॉब्लम थी, कल धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें क्या रहा? उसमें जो लेबर की डिमांड थी वो प्रशासन तक पहुँचा दिया, उनको आश्वासन दे दिया कि भाई जो उनका रेट की उनकी मेन थी उसको रिवाइज करने के लिए बोर्ड को डीसी साहब की तरफ से लिखा जा रहा है, तो उनका धरना चलेगा, जल्दी अपडेट हो, धरना चल रहा है उनका भी? नहीं नहीं नहीं, वो 2 घंटे के लिए बंद हुआ था, अच्छा, उनकी मान ली गई प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।